दिस न्यूज इज कोस्पॉन्सर्ड बाय प्रमो ज्वेलर्स एंड गिफ्ट सेंटर पारधीनगर MRDC हिंगना रोड नागपुर। सूरज की तपती गर्मी ने लोगों को हलाकान कर रखा है। वहीं नागपुर के खामला और आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी की समस्या को लेकर काफी परेशानी है, जिनकी समस्या जानी है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। एक तरफ आसमान में बरसती आग तो दूसरी तरफ सूखती धरती। इस भीषण गर्मी और भीषण जल संकट में आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। इन दिनों खामला वासियों के सामने जल संकट सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। इलाके की कई कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछाने के बाद भी लोगों के घरों में अब तक पानी नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में पानी तो आता है लेकिन वह पीने लायक नहीं होता। दूषित और बदबूदार पानी पीने की वजह से लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि यहां नागपुर महानगर पालिका का कुआं भी है, टंकी भी है, लेकिन कुआं इन दिनों मनपा के 24/7 पानी देने के वादे को मुंह चिढ़ा रहा है। कुएं में पानी तो है लेकिन इतना गंदा कि न प्यास बुझा सके न ही नहाने योग्य। अब ऐसे में खामला वासियों ने अपने मन की वेदना, अपने सूखे कण की कहानी मनपा आयुक्त को सुनाकर जल संकट को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। आमच्याकडे पिण्याचा पाण्याचा म्हणा किंवा बाहेरच्या पाण्याचा नेहमीच प्रॉब्लेम राहतो आणि गढूळ पण पाणी भरपूर प्रमाणात येतं। असं गडरच्या पाण्याचा स्मेल येतो त्याला आणि पाणी फार अल्प येतं, कमी दाब असतो नळाच्या पाण्याला आणि त्याच्यामुळे आम्हाला पाणी पुरत नाही। ते अजून आले नाही मला वाटतं सर्वे करायला इकडे, म्हणजे एरियात येत नाहीत सहसा। कंप्लेंट करतात लोक पण तरी येत नाही। खामला परिसर में कम से कम पीने के पानी की समस्या सॉल्व करें, इसके लिए हम जैसे प्रकाश जी ने बताया जन आंदोलन करेंगे। उसके विषय में हम हमारा पानी की समस्या ये हो, इसके लिए मैं आयुक्त से निवेदन करता हूँ कि पानी की समस्या जल्द से जल्द सुलझाए। अभी जो पानी मिल रहा है आपको किन कौन कौन से समय में दिया जाता है पानी? और खाली आधा घंटा मिलता है, आधे घंटे में पानी सफिशेंट नहीं होता एरिया में। एरिया बहुत बड़ा है, टैंकरों की समस्या से निवारण नहीं हो सकता है कोई चीज़ का, इसीलिए पानी की समस्या को जल्दी से जल्दी आयुक्त साहब निपटाए, यही हमारा निवेदन है, बाकी कुछ नहीं। बहुत समस्या है, पिछले महीने तो इतनी बारीक धार थी कि नीचे में पाइप भर छोटा गंज रख के पानी भरना पड़ता था, ड्राम तक भी नहीं पहुँचता था। पिछले 2 महीने थे नए नए पाइपलाइन डाले है और कहा कम ज़्यादा फोर्स ही नहीं बिल्कुल पूरा, और कुछ इसको तो गडर का पानी भी आके मिल रहा था पाइपलाइन में नल के, वही समस्या है। वो पानी में गंदा बाल भी आता था नल के पानी, कम से कम 20 मिनट तो बाहर छोड़ना पड़ता था उसको, तब जाके पीने का पानी और बाकी भरना पड़ता था। आएंगे कब देखेंगे कब वो कभी कभी कैसे कि नए नए पाइपलाइन हो पुराने पाइपलाइन निकाल रहे नए नए डाल रहे, बीच बीच में काम जो चालू रहता है तो उसमें पाइपलाइन फूटती भी है तो फोर्स भी कम आता है। तो कभी आके देखते नहीं कुछ नहीं, कभी तो देखा नहीं इतने में इलेक्शन के बाद। आपको बता दें कि नागपुर महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनप्रतिनिधि अपने प्रभाग की जनता की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने कितने सजग है ये दिखाई देता है। शायद हो सकता है कि पानी की किल्लत से परेशान नागरिक आने वाले मनपा चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि की कुर्सी पर किसी और को बैठाए। खामला सिंधी कॉलोनी, जूनी बस्ती, मिलिंद नगर, शांति नगर, वेंकटेश नगर, शिवनगर के रिहायशी इलाकों में प्रताप नगर पानी टंकी से पानी दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में पानी आते काफी समय लग जाता है जिस कारण पानी में प्रेशर नहीं होता। अब ऐसे में स्थानीय नागरिकों ने पांडेले आउट पानी की टंकी से खामला परिसर में जल आपूर्ति करने की मांग की है। पानी तो ऐसा है कि 2 टाइम आता है नल, पर पानी की जो मर्यादा है, जो समय सीमा है बहुत कम है, और जो हमारे यहाँ पे जो नेटवर्क जो पांडेले आउट के पानी के टाकी से था तो वो उन्होंने OCW ने अपने मन मर्जी के हिसाब से उन्होंने वहाँ से कट करके प्रताप नगर में अटैच कर दिया पानी की टंकी में। अब वो प्रताप नगर से जो सोमलवार हाईस्कूल तक जो पानी आता है तो उसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे खामला जूनी बस्ती जो है ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे रहने की वजह से कैसा है जो फ्लो आना चाहिए पानी का इतना कम है कि जैसे जो 5 उंगली की जो अपनी आखिरी उंगली जो बोलते हैं उससे भी आधी ऐसी मैंने धार जो आती है, तो उसमें कैसा है कि लोगों की एक गुंडी पानी भी मिलना मुश्किल है। यहाँ पर लक्ष्मीनगर जोन में जो पुराने जो अधिकारी थे जैसे खत्री साहब थे तो उनको कैसा है कि
पश्चिम नागपुर का पूरा लक्ष्मीनगर जोन का पूरा नेटवर्क उनको मालूम था, पर अभी कैसा है कि नागपुर महानगर पालिका ने जो जो रिटायरमेंट होने के बाद में जो नए अधिकारी आए और OCW की जो नई टीम जो आई है उनको उसके बारे में पूरा नेटवर्क के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं रहने की वजह से ये जो प्रॉब्लम अभी पानी भरपूर है, पर कैसा है कि नेटवर्क के हिसाब से उन्होंने जो उनका जो नेटवर्क है वो बराबर नहीं है, उचित नहीं है, उसके वजह से ये जो लोगों को अभी धुपकाले में पानी मिलना चाहिए, पानी की इतनी कमतरता है कि वो अगर टैंकर भी बुलाते हैं तो टैंकर भी नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति है यहाँ। खामला ही नहीं तो खामला के आजू बाजू के परिसर में कहीं पर भी पानी नहीं है। प्रताप नगर का पानी जो यहाँ पर मिलना चाहिए वो पानी मिलता नहीं है। हमारी गुजारिश भी है नागपुर महानगर पालिका को कि हमारा जो पांडे लेआउट का जो नेटवर्क जो हमको पानी मिलता था वो पानी हमको खामला जूनी बस्ती में मिला जाए और जोड़ दिया जाए। महाराष्ट्र TV 24 के लिए पारस बैसवारे नागपुर। क्या आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं? तो देर किस बात की, गंजे सिर पर बाल वापस लाने का एकमात्र तरीका, अब आप भी बदले अपना लुक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के। विदर्भ का नंबर वन हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक MK रीग्रोथ हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक नागपुर और चंद्रपुर शहर में किफायती दर पर सर्वश्रेष्ठ हेयर ट्रांसप्लांट सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र क्लिनिक। बालों की सैकड़ों सर्जिकल प्रक्रियाएं संतुष्टि पूर्वक पूरी कर चुके अनुभवी चिकित्सकों की टीम बेस्ट क्वालिटी और गारंटेड रिजल्ट के साथ आज ही MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। संपर्क करें 9699658779। हमारा पता सिद्धेश साई अपार्टमेंट सक्कर धरा नागपुर एंड जनता कॉलेज स्क्वायर सिविल लाइन चंद्रपुर।